ये ताल्लुक तेरी पहचान बना सकता था, जिंदगी को तू आलीशान बना सकता था। एप्लीकेशन ने बनाया है तुझे टिकटॉकर, इल्म तेरा तुझे इंसान बना सकता था। नई नस्ल है किस जानिब चलती जा रही, इसीलिए आ रहे हैं वसीम चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आजकल डाइट कर रहे हैं सर? अरे और बड़े माशाल्लाह मरीज लग रहे हैं। इस तरह के मरीज है ना, इतवार नूं डॉक्टर नूं कह रहे होंदे ने कि अज छुट्टी आ, फिल्म ना वेखन चली। मरीज ने जी बीमार हो के दाखिल ही इसलिए होंगे ने कि हर बंदा फ्रूट लैके आए। इस तरह के मरीज अपनी दवाइया की कीमत बेच के आइसक्रीम खा लें। इस तरह के मरीज एम्बुलेंस बह के सहुरे लो होंगे। तो सर तुसी किहड़े डॉक्टर नूं अज बुला रहे हो? किसी भी नहीं। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं, मोहतरमा मशल खान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे दोस्त खास तौर पे मैनचेस्टर से तशरीफ लाए हुए हैं, एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और होस्ट भी हैं, जनाब मानी लियाकत। वेलकम टू द शो जी। बड़ा जी चाह रहा था मिशाल जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहता, लेकिन आज मेरा शेर नहीं है सर, आज पैगाम है इन दोनों के लिए। अच्छा जी, दोनों के लिए। पिया जी आज होशियार हो जाएं, आज का मेहमा हम में से है, लेकिन चक 16 का नहीं, ये जुगते इंग्लिश में करता। मैंने ABC रट ली है, तुम दोनों भी जो कर सकते हो कर लो। नाम है मानी, वस्फ लियाकत, देखो गौर से देखो अकरम, तेरी तरह ये भी हर छोटी मोटी बात पे हंसता है। क्या बात। मेरा शेर मिशाल जी लीजिए। एक सेकंड ठीक है, इतनी दफा माशाल्लाह से हमारी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आप लोग अभी तक मेरा नाम सही से नहीं ले। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, आपने मशाल कह दिया, मशल है। शेर है जी जी के मैलियां अखां तो ना लइए, अपनियां खाली कहो, मैलियां अखां तो ना लइए, इसे बहाने रो ना लइए, मैलियां अखां तो ना लइए, इसे बहाने रो ना लइए, ते पहली वारी मिले सन जिथे उथे झट खलो ना लइए। आपको कह रहे जब स्कूल पढ़ती थी ना, इन्हों की मूलियां की रेहड़ी होती थी, उठ जाके मिल लो इन्हें जिद करके भाजी थले डिगी मैं खा ला। वो जहां भी गए एक नया सरप्राइज दिया है, अपने जख्मों को कहकों की सुई से सिया है, मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा खुश हूँ कैसर, UK में रह के भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी मशल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए वासे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपके क्या हाल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत गुजरी हुई ईद मुबारक, आने वाली मैं बड़ी देर बाद आया। सर कोई प्रॉब्लम, देर बाद ही जाओगे क्योंकि ऐसे जहां लगे तेरा पासपोर्ट फाड़ देना। फटे पासपोर्ट ही मैं ट्रैवल कर लांगा तो फिक्र ना कर। क्या बात है, वन एंड ओनली हूं ना यार, मुंह एडा बड़ा हर बंदा पहचान दे। जी जनाब माशाल्लाह, आप सुनाए आप कैसे? बड़े अच्छे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप सुनाइए, आप बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए। बस देख लें, आपने बुलाया ही नहीं और हम आए भी नहीं। नहीं मतलब बीच में कैसा गुजरा आपका वक्त? बस भैड़े ही गुजरे हैं कोरोने की वजह, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ लॉट बेटर, थिंग्स आर ओपनिंग अप। सर कोरोने की वजह से नदी मत बच गई, वो मलका का खावंद मरया तो उन्होंने जाके सिलाई मशीन दे दी। इंसान आया, आप उनसे पूछते हैं कि कैसी तबीयत है आपकी? मेरी जान है, मेरे भाई दोस्त हैं। इंग्लैंड के अंदर हालात क्या हैं? आराम नाल करो, बड़ी दूरों पे स्टोन आया मैं। क्यों नहीं। जी तो कैसे हालात है वहां पे? अल्लाह का शुक्र है वासे भाई, इट्स अ लॉट बेटर,
देन इट वॉज बिफोर, लेकिन ये कि स्टिल अभी इट्स ओपनिंग अप. आपको पता है वो गोरे ज़्यादा डरते हैं पाकिस्तानियों, तो पता नहीं कोरोना की वहाँ पे खैर बहुत ज़्यादा मसाइल भी रहे हैं इसकी वजह से. और इनिशियली जो हुआ हमारे स्पेशली हमारी इंडस्ट्री को ऑन अ सीरियस नोट इट्स अफेक्टेड बिग टाइम. मतलब कि जब वेन्यूज क्लोज हैं, लोग नहीं जाएंगे तो आपके शोज नहीं होंगे. एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान वॉज इन द रेड लिस्ट, तो ओवरसीज आर्टिस्ट भी नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह से वो भी शोज भी नहीं थे. तो बस ये कि प्रॉपर काम करना पड़ा और नौकरियां करनी है भैया. अच्छा आप ये बताएं, आपकी पहले मुलाकात है मानी से? नहीं, पहली दफा हुई है आज. आज पहली दफा हुई है. आपको पता है ये बड़ा जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडियन है. हमारी वही गुफ्तगू चल रही थी पीछे. अच्छा, पीछे गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी आपकी? शुरू हो रही थी, विच ओम आ गया. ओम ओन सॉरी ओन तुसी ते गलत ना लिया. ओन ओन आई एम सॉरी. जदों मैं पाकिस्तान आया मैं ही कह रहे हैं, मैं गड्डी चला रहा ना किसी और दी गड्डी वजदी, मेरा दिल करता आई एम सॉरी. तो चलते रक्षे तो छाल मार दे, मैं कहना यार आई एम सॉरी. अच्छा, तो आपकी मुलाकात नहीं हुई थी मगर आपकी बात होती, उन्होंने क्या बताया आपको अपने बारे में? मैं कह छड शो आ हार्ड इज खान चली. उन्होंने कहा सॉरी मैं वेजिटेरियन हूं. वो वेजिटेरियन है. अच्छा, सबको समझते हैं कि आपकी तरह ही वो बर्गर्स खाते होंगे. नहीं, मैं बिल्कुल बर्गर्स नहीं खाता. अरे मैंने रात को न्यारी खाई है मतलब. और पकी भी नहीं सी, कच्ची खा गए. बल्कि दीवार पे निहारी लिखा है, पूरी दीवार खा गए. अच्छा, तो आप यहाँ पे निहारियाँ खा रहे हैं? क्यों ना खाऊं वासे चौधरी, जेड़ा स्मार्ट है मरना उन्हें भी है. किस किस्म का थॉट प्रोसेस है यार ये? क्योंकि बड़े मासूम आदमी ने सुनो इंग्लैंड दी मेट्रो ते बैठ के कह रहे मेनू गजू मते ला देना. अच्छा, मुझे पहले एक मिनट मशल, आपको समझ आ रही है जो ये बातें करते हैं? जी मशल, आई अंडरस्टैंड पंजाबी. मशल मरीज तो आई, मैंने उनसे पूछा आपको मशल पंजाबी आती है? कहती हाँ बिल्कुल आंदी है. दोबारा नहीं मिलना. अच्छा, तो इन्होंने आपको क्या बताया अपने बारे में? बस हमारी बात हो रही थी बस स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि मैं बहुत शौक से देखती हूँ. अच्छा जी, आपके कोई फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन से हैं? देयर इज अ फ्यू इंडियन बॉयज. हाँ हाँ, बताएं बताएं, खुल के बताएं. बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं. देन ऑफ कोर्स केविन हार्ट इज like the king of stand up comedy. तो उनको तो देखते हैं कि like मेरे आंसू निकल आते हैं, because it's so funny. आपके आंसू क्यों निकल आते हैं? आप हंसते हंसते ना पखे से आता है. आपने कोई अपना लिंक बताया इनको कि आप मेरा भी कोई देखिए कोई क्लिप वगैरह? आप लोगों ने अनाउंस ही कर दिया था. अनाउंस ही एकदम चंगी भली गला शुरू हो गई सन तुसी विच. अच्छा, प्लीज वेलकम. शी इज वेरी माशाल्लाह इनटू कॉमेडी. हाउ डू यू नो दैट शी इज इनटू कॉमेडी? बिकॉज़ आई आस्क्ड हर. आपने देखा हो कोई ड्रामा कोई फिल्म आपकी नजर से गुजरी हो? मैंने कोई ड्रामा देखे इनके. अच्छा, मुझे नाम याद नहीं लेकिन मैंने जरूर देखे. आप देखते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह? ऑफकोर्स सर, पाकिस्तान तो आपको पता है कि वो सर पाकिस्तानी तो देख के ड्रामे तो फिर इंग्लिश जुगतां कर देना. हाँ. वैसे इंग्लिश में जुगत करना मुश्किल होता है आसान है? डिपेंड है एक्चुअली. ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बताऊं तो ये है कि देयर इज मोर सार्कास्म इन इंग्लिश डेफिनेटली. अच्छा, और आई थिंक उसमें इंग्लिश कॉमेडी का ये है कि वो वेरी सिचुएशनल कॉमेडी है. आप टिश्यू के बारे में शुरू हो जाओगे और पूरा लिख लोगे, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो. यू डोंट हैव टू हैव अ सीरियस टॉपिक. सो दिस इज़ क्वाइट गुड बिकॉज आई थिंक द पीपल दे आर वेरी डाइवर्स. एक अब जिस तरह मैनचेस्टर है वहाँ पे यू गॉट द ब्लैक कम्युनिटी, यू गॉट द इंग्लिश कम्युनिटी, यू गॉट द वाइट कम्युनिटी, आयरिश कम्युनिटी. तो फिर इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द इतना मवाद इकट्ठा हो जाता है, सो यू कैन बेसिकली पिक एंड चूज एनीथिंग. अच्छा, दैट इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट आई बिलीव. और आप क्या कोई होमवर्क वगैरह भी करते हैं ये अपने स्किट्स करने से पहले, स्केचेस करने से पहले, या यू जस्ट रिलाई ऑन के उसी वक्त जो फिल्मबदी जिसे कहते हैं आ रही हो कुछ? नहीं, होमवर्क थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही ज़ाहिर है. समटाइम्स यू जस्ट गेट आइडियाज़. आप कोई आप लिखते हो, आई डू लॉट ऑफ राइटिंग, तो फिर ये कि आपने लिखा भी होता है लेकिन ज़ाहिर है. क्या लिखते हैं आप? कई गला नहीं भी दसन वाली होंगी. ये सर मशवरे भी देते हैं उसे इंग्लिश डायरेक्टर जो उन्होंने मशवरा दे रहे थे, अगर तुम चाहे तो फिल्म चले नसीबों के दो गाने पाओ. लेकिन ये कि वहाँ पे इट्स अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी.
हमारे पाकिस्तानी, मैंने जब ये शुरू किया था आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम मैनचेस्टर, और लोगों को यकीन करें मैं बाहर बाजारों में खड़े होकर ना लाइक कहता था लीफलेट ये फ्री है प्लीज़ आके तो देखो थिएटर से तो बैठो ना तो पता लगे कि थिएटर की होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि आज लोग जानते हैं एंड व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटी शोज अदर इवेंट्स पीपल डू कम एंड सी नाउ दे गेटिंग यूज्ड टू ऑफ द थिएटर, मतलब कि उनको थिएटर का पता लग रहा है कि यार इतने बह के आराम इतने जरूरी नहीं कि बंदा नाल रोटी भी खा रहा है या किसी ने फोन मिलाता है चुप करके एंजॉय करो। यू टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमिक थिएटर्स जो होते हैं डेफिनेटली। हां वैसे आपको सिर्फ देखने का शौक है या करने का भी शौक है? नहीं आई एम नॉट फनी। यू आर नॉट फनी, और ये आपने कैसे अखज किया? इट्स क्वाइट एंबैरसिंग, जब भी कोई जोक मारती हूं ना सिर्फ मैं ही हंस रही होती हूं, बहुत एंबैरसिंग। अच्छा फिर तो छोड़ना पड़ना चाहिए। मगर नहीं कोई आपको ही हमें सुनाइए कोई बात कोई नहीं लाइक भाई जो आप बैठे हुए होते हैं तो मेरे दोस्त मुझे इग्नोर करके दे लाइक राइट एनीवेज। अच्छा आपके दोस्तों में भी वासे चौधरी पाए जाते हैं? आप कोई वैसे इंग्लिश में करके दिखाएं हमें जो नॉक नॉक हु इज दैट डॉक्टर डॉक्टर हु नाइस। अच्छा वैसे आप वशल अभी इतना बुरा फील कर रही थी आपको कोई प्यारा लगता है तो वैसे आप उनके सारी जोक्स पे हंस पड़ते हैं। अच्छा वाह यू नो बड़ी अच्छी बात। अच्छा नहीं मैं कोशिश कर रहा था समझ आई नहीं आई उनसे हां इट्स सो फनी। अच्छा ये ऐसा ही है ना। अच्छा मानी आपके साथ तो अक्सर होता होगा फिर सारी जिंदगी धोखे से गुजार देते। आई जस्ट लाइक यू नहीं ये एक ऐसी बात है आई थिंक ह्यूमर इज द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस। जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको पांच सेंसेस दिए ना मैं समझता हूँ छठी सेंस इज सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा एंड नॉट एवरीबडी हैज इट। Okay. तो ये खुदादार चीज़ है जिस तरह माशाल्लाह आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे भी इतने बुरा टाइम है ना पूरी दुनिया पे आया हुआ है देन यू स्टिल फाइंड फनी थिंग्स। फिलहाल तो हम पे भी आया माशाल्लाह। जो बात कर रहे थे बाय द वे मशन उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। अच्छा हाँ नहीं मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन उसके बगैर काम चल सकता है। ह्यूमर पता है सब्जेक्टिव चीज है। यू नो आप किसी के लिए दुनिया के सबसे फनी इंसान हो सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल हम सारे दोस्त जो बैठे हुए होते हैं ना एक हमारा इडियट दोस्त है ही इज द ओनली वन दैट हेट्स ही जस्ट हेट्स कॉमेडी। ठीक है आप केविन हार्ट का बेस्ट लगा दो आप किसी भी लाइक आला कॉमेडियन का बेस्ट लगा दो और बोलेगा यार ये क्या बकवास लगाई है तुम लोगों ने। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव you know so that's why I was saying that subjective cheeze hai lekin humor ka matlab khali ye nahi hai ki being funny humor is everything you know I think nature is humorous har cheez mein humor hai le usko samajhne wala to वैसे एक मुझे बात बताएं अब तो ये दुनिया भर में एक ह्यूमर के ऊपर बड़ा एक क्रिटिसिज्म भी आना शुरू हो गया है देयर सो मेनी थिंग्स जिससे आपको बचना पड़ता है पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए सेक्सिस्ट ना हो ह्यूमर आपका ह्यूमर जो है वो फैट शेम ना करे हां बॉडी शेमिंग ना हो रही हो न जाने और क्या-क्या चीजें अब इसके अंदर आ गई। मगर मुझे बताएं कि क्या मुश्किल होता है आप वैसे ह्यूमर ऑफ कोर्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और वेस्ट के अंदर जहां पे रेसिज्म का भी एक बड़ा और हर चीज जो है मैग्नीफाइड है इट्स वेरी टफ एक्चुअली वासे भाई और इसमें ये नहीं कि मैं आई एम जस्ट सेइंग दिस लेकिन आई थिंक वो जो ब्रैकेट है उसकी वो तंग से तंग से तंग होती जा रही है। आप किसके बारे में बात करो कैसे करोगे आप किसी को बैक इन 60s 70s 80s जो ह्यूमर था वो यू नो लाइक आप उसको देखते आई स्टिल इंजॉय दैट एक्चुअली लेकिन अगेन बॉडी शेमिंग की बात की है या कलर ऑफ अ पर्सन उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था। बिल्कुल सही बात लेकिन अब जाहिर है इसको उन्होंने स्पेशली अगर आपने इसको टेलीवाइज्ड करना है जिस तरह वहाँ पे हमारा ऑफ कॉम है यहाँ पे पैमरा आई थिंक आपके अपने लॉज हैं आपके अपनी लेजिस्लेशन है यू हैव टू फॉलो इट तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप भी एग्री करती हैं इससे कि मुश्किल होता जा रहा है बहुत ज्यादा ह्यूमर आप जो भी कर रहे हैं आप किसी ना किसी को ऑफेंड कर रहे होंगे लेकिन कई बंदे वैसे ही बैठे-बैठे ऑफेंड हो रहे होंगे दैट्स द थिंग ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं क्या आपको लगता है? आई थिंक सो हर चीज को हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया और दिल जो है बहुत
थोड़ा सा भी बड़ा नहीं रहा। लाइक आई थिंक आपको हर चीज को ना उसकी हद तक रखना चाहिए। अगर एक शो है तो आप एक शो की तरह डोंट इंप्लीमेंट इट इन लाइफ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज, सेंस ऑफ ह्यूमर। You got to have sense of humor. Don't take yourself so seriously. Yeah. Exactly, because nobody's gonna leave this world alive anyways. So what's the point? सारे ने मरना तो है ना? Enjoy करो life नो। अच्छा ये आप वैसे हर बात पे ये end आप की तरफ क्यों चले जाते हैं एकदम? Are you okay? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं वो उन्होंने concerned एक। आते हैं क्या उनकी ड्रिप लानी में? कोरोना को डरे हुए ने ना ना ते ये वैक्सीन दी बाल्टी पीली फिर वो डरे हुए ने लागे इतनी नहीं ना सकती थी इनको। इसे कहते हैं मेडिकल कॉमेडी। इसके अंदर सवाय वैक्सीन के कोई बुरा नहीं बना सकता। यार दोबारा ना करी कोरोना माइंड कर जाएगा। अच्छा फिर आपने ठीक ही चलो मेरे मुंह में जा। I am sorry. लेकिन एक बात है, मैंने ठाकुर साहब से थोड़ा सा गिला शिकवा करना हो गया। वो ये है कि ये इंग्लैंड आए हैं और इन्होंने माशाल्लाह इतनी बेहतरीन मूवीज बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपका। इनको वहाँ के भी एक्टर्स को यूज करना चाहिए। तुसी वहाँ के एक्टरों की गल करते हैं, ये यहाँ के एक्टरों को यूज नहीं करते। आपको भी मूवीज में काम करने का शौक है? मैंने किया दो तीन मूवीज में। और आपको भी है शौक? टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट समझ नहीं आई। ठीक है। बिकॉज अगर आप इंटरनेशनली देखें जो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज होती हैं वो होती हैं एक्शन थ्रिलर स्टफ लाइक दिस, लाइक द जोकर, डीसी, मार्वल स्टफ लाइक दिस। और हम फंसे हुए हैं विच इज इन द इंटरनेशनली लीस्ट ग्रोसिंग कैटेगोरी जो जॉनरा है कॉमेडी रोम कॉम्स। रोम कॉम्स में इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट होती नहीं है इतनी। वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग मूवीज दैट मीन समथिंग, जो एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं, जो आप उसको देख के आप उसके बाद सोचते हैं कि यार अपने दोस्तों कॉलेज के डिस्कशन तो करूँ उसके बारे में। ये नहीं कि आप गए आपने पॉपकॉर्न खाया और आप अगले दिन भूल गए कि उस मूवी में हुआ क्या है। Would you action movie? I think you'll be very good. 100%. I'm actually a trained kickboxer, so I'm a martial artist. अच्छा आप kickboxing भी करती हैं? No, no. ये भी आपने कनाडा में ही सीखी? नहीं, in Karachi, I used to fight here. अच्छा यहाँ पे लड़ती थी आप kickboxing और firing जो थी वो आप वहाँ पे करती थी? वो वहाँ करती थी। kickboxing है ये आप कराची में करती हैं? जी, और मैंने वहाँ भी continue की थी। वहाँ भी continue, और उसके अलावा कुछ और इस किस्म के जानलेवा horse riding भी आप कर लेती हैं? अच्छा आपने kickboxing की हुई है? जी। और आप horse riding भी कर लेती हैं? इसके अलावा कोई आप बड़ी आप मसिव एडवेंचर स्पिरिट है आपकी? I was the number one female roar in Pakistan also. जबरदस्त। रोइंग भी करती थी आप? Yeah. अच्छा एक मिनट यहीं पे रुकिएगा, आपको पता है रोइंग का? असली रोइंग रजाइयां च भरी दी सर्दी। रोइंग होती है जदों कुड़ी रो रही होए, नूं अंग्रेजी च कहंदे शी इज रोइंग। आप प्लीज इनको रोइंग के बारे में बताइए। कश्ती चलाना। अच्छा कश्ती। आपने देखा होगा कि वो हमें रोइंग से नहीं, हम तो चापूस का पता है। आपको सिर्फ चापलूसीज का पता है। So what level did you do rowing? I was training for the Olympics. Wow. And yeah, and then from I quit. Pakistan or from Canada? Pakistan. अच्छा फिर क्या हुआ? Then I quit. Why? बहुत politics है rowing में भी यार. Allah कसम. Yeah. The girls just didn't want to be my friends. जलती क्यों थी आपसे? Because मैं सबसे पतली भी थी सारी में से, ठीक है। I was probably the smallest girl. Okay. ये सारी हट्टी कट्टी मुस्टंडी टाइप लड़कियाँ, ठीक है। Still I was beating them, so they hated it. They didn't like it. And that's why you quit. आप इस तरह क्विट कर देती अगर आपको हेट करो? नहीं, वो क्योंकि वो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं था। That was just something I did for fun. मानी, आपको भी इस किस्म का कोई शौक है? कोई आपको किकबॉक्सिंग का मौका मिला? मैं एज ए पंचिंग बैग, हाँ। और रोइंग का कभी? एक्चुअली जिम वगैरह जब करता था तब मैं रोइंग करता था। अर्ग द एर्गोमीटर, नाइस। अच्छा, यस वासी चौधरी। और ये किस सदी का वाक्य? वो तो कैम अली शाह साहब 2 साल दे सर। आखिरी दीदार कर लो अपने अच्छू दा। क्यों? अल्लाह दी मेहरबानी नाल अच्छू यूके जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। क्यों? क्यों यूके जा रहे? मैं मियां साहब वास्ते खाद ते पावे लेके जा रहा है। तानू वैसे ही गल कर रहे कि मैं यूके जा रहा, तानू पता नहीं केड़े काम जा रहा। मैं बहुत खुश, भाई ठाकर, भाई अक्रम भैया जी हुन मुबारक दे सानू, असीं निकलन लगे। मुबारक होए, लेकिन लैन की जा रहे हैं तो उत्थे? मैं उत्थे नवा मोबाइल लिया, उहदी केसिंग चेंज कराउण जा रहे हैं जी। मेरे भरा ने मोटरसाइकिल लिया, उहदी उत्थों चाबी बनाउण जा रहे हैं जनाब। मैं गोल गप्पे बना ले ने जनाब, सो उत्थे अंग्रेज को खट्टा बनाउण दा तरीका सिखण जा रहे हैं। मरतबा
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ खिदमत करनी है क्योंकि नक्शे कदम से हुण मैं चलना जो मर्जी है बुलाया क्यों है क्या परपस क्या है बुलाना क्यों उन्होंने जनाब दरअसल जदों काला इलम होया ना उल्ट हरकत कर रहे हैं किसी फंक्शन से जाते हैं मालक से कोल्ड ड्रिंक सुट देंगे हस्पताल जाके डॉक्टर नूं कह रहे हुंदे टाइटैनिक इत्थे बनी सी बड़ियां प्रॉब्लम बड़े मसले उन्होंने नाल चल रहे हैं मैं तुसीं बस मैनूं इजाजत दे दिओ तुहाडी मेहरबानी मैं वैक्सीन लवाई मेरे को डरो ना ला दो तुसीं मैं डबल लवाई है तुसीं इजी हो जाओ तुहाडी मेहरबानी है मैं जा रहा मैं अपने उस्तादे मोहतरम को जा रहा हूं जा एवें रहो वो तो यहां हमारे पास आए हैं खुद ओए होए उस्तादे मोहतरम तुसीं इत्थे कॉमेडी शुरू की सब्जी मेरे घर फ्री पकदी जनाब जदों कॉमेडी करदा लोकी मारदे टमाटर आलू चलजम पता नहीं कॉमेडी करदा रह थोड़ी देर बाद तेरा देखी आपकी छत नवी आ जानी लेकिन मैं बहुत प्यारे जी माशाल्लाह दूरों भी प्यारे लग रहे नजदीक तो भी प्यारे लग रहे तुम पता नहीं मेनू क्यों जहर लगते चलो जहां जिंदगी इंजॉय करो अपने हाथी मफलर पवाया कैसा लग रहा है मफलर आप कहां से पहुंच गए सर मैं पहुंच गया सा मियां साहब ने मैनु आप फोन किया इनविटेशन दिता मेनू मेनु कहंदे अपने भतीजे की शादी ते नहीं आएगा ओ कोई आवे ना आवे तू तो आ सकना मैं क्या सर आई एम कमिंग राइट द वे मेनु कहंदे आंदे आंदे अमृतसर दा पतीसा लई आवीं ओ मैं क्या सर अमृतसर दीआं गल्लां ना कराया करो इन गल्लां दी वजह तुसीं लंदन बैठे हो मेनु कहंदे ने अकल दे आने आ बीडन रोड वाला अमृतसरी पतीसा ओ मैं क्या यस मैं क्या आई एम कमिंग सर मैंने कहते हैं नाल रात में वंडदा भी आई दस डब्बे लैके पहुंचिया सीधा गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट ना करें बोरिस जॉनसन साहब बैल दिती है ए दरवाजा खोले ने हाथे कूड़े वाला छापर पड़े है और मैं क्या सर की कर दे हो साइड ते रखे है मैं क्या सर डब्बा पतीसे दा डब्बा कहते ने वाह मैं क्या सर भतीजे की शादी जुनेद सफदर साहब दी कहंदे ने भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना मैं कहा सर ऐ हेयर ब्रश तुहाडे वास्ते लैंदा है ओ 10 डब्बे लए सन नाल मुफ्त मिले सन अच्छा मैं कहा हल्की हल्की ट्राई करया करो हसे ना इस गल दे उत्ते उत्थों जिन्होंने निकले आ रक्षा लभ रहा सा नहीं लभे लंदन सी ओ फिर बग्गी ते गया बकिंगम पैलेस बकिंगम पैलेस यस गार्ड नु जाके दसया मैं कहा बाजी साहब से कहे के निर्गोली साहब आए हैं कहंदे ने बताने की जरूरत ही नहीं है वड्डा ग्रेड खोलिया उन्हें मैं फिर छोटे गेट तो अंदर गया ठीक है क्योंकि वो बड़ा गेट मैंने खुला सी हाँ। आगे गया तो सामने छतरी ते तले कुर्सियां ला के बैठे मलका एलिजाबेथ हाय केण मेण लाई काले बद हल्की हल्की बारिश हो रही थी अच्छा जी बड़े खुशगवार मूड में बैठे और मैंने देख दी ऐसा लग पे ना अच्छा कहंदे ने खैरियत से आए हो मैं कह जी ये पतीसे का डब्बा लेकर आया हूं मियां साहब ने भेजा है उनके नवासे की शादी है बिल्कुल पतीसे का डब्बा खोला तो रोने लग पे क्यों कहंदे ने ये तो पतीसा फिलिप साहब कहते थे आजकल हो गए हैं स्लिप कहने मुझे आज भी याद है जब भी वो पतीसा खाते उनके दांतों में फंस जाता फिर वो महल के सारे गार्डों से तीलियां मांगते फिरते हाय
जाने कहां गए वो दिन, मैं तो निकलने वाली की थी। अच्छा। मैं क्या गाना लम्मा है गा, देर हो जाएगी, पहुंचे फिर आए एंटर हो सलूट मारे सामने खलोते दोस्तों के बीच, मियां साहब जी सर, मैंने कहते इनसे मिलिए, मेरे दोस्त सैफर रहमान साहब, मैं क्या सर मैं BMW वेख के समझ गया सा कि आए ने, आए बड़े खुश हुए ने। अच्छा। मैंने कहते ने चलो अब सारा संभाल लो। हाँ। पूरा फंक्शन बड़ी खुश सलूबी से मैंने संभाला। क्या बात है। देखा तो मैं आप खलोता सा, लाओ दसो मैं मटन और लैम्प चॉप घटने नहीं दी, बंदे मैं गिन ले सन, मैं क्या दो बोतियां पर रेडी आन गई। इस गल से मैंने बड़े खुश होने, कहते नहीं ये £1,000 रखो तुम्हारे आने जाने का खर्चा है, और ये 3 डब्बे पतीसे के बच गए हैं, ये साथ ले जाओ, एक मौलाना फजल रहमान साहब को देना, ठीक है, और कहना आपके भतीजे की शादी बड़ी खुश असलूबी से अंजाम पाई है, दूसरा आसफ अली जरदारी साहब को देना, ठीक है, तो मैं क्या तीसरा इमरान खान साहब को दे दिया। मैंने कहते नहीं ओए ना देवी ओ ना वे पतीसे दी भी मनी ट्रेल मांग लवे। मेरे हमदम ऐसा ड्रामा किया ने मान से ओए होए 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 लफाफा भी बुला देता ने। अच्छा। हालांकि मैं लफाफे तो फैन हो है। अच्छा। लेकिन मशल साहब ऐसे कमाल एक्टर्स है ने। आजकल की कर रहे हैं एक्टिंग खाने पका रहे हो नहीं शेफ दे मुंह तो भी लग रहे अच्छे खाने बनांदा शेफ नहीं है वही मैं कह रहा मैं भाजन और उन्होंने किधर देखा है ओ बाउ बैंड डायरेक्टर आप समझ गए आज भी याद है कि यार इना क्राउड और कल्ला जवान यार ऐसी परफॉर्मेंस इस बंदे ने की है कोई नहीं हसया कमाल मैन होया पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन कर रहा है इना लंगर करता है हर बंदा पूछता है खांदे किवें हो तुहानूं मिल के बड़ी खुशी हुई है मैनूं जरा नहीं कदी कदी आंदे ने इन्हां नूं हर हफ्ते बुलाया करो अच्छा हाँ इत्थे ऐसे लोग इन्हां नूं वेख के एडे खुश हुंदे ने नहीं आज नहीं आज नहीं सर आज नहीं आज मैं फेर मारने मारो शरले का जानवर इस तरह नहीं उत्ते भी कर रहे सर साढ़े आपने फायर वैसे मुझे मार मेहमान है कि दोस्त मशल जी आई गेस वी विल नेवर नो ओ वाओ कैन आई हैव वन सर मैं बैकस्टेज नील हो चुकी ये होती है किड्डी गॉर्जियस लग रही है मेरी फोटो पढ़ना प्लीज हैव अ सीट प्लीज मैं उठना नहीं 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 तुसी बैठो फिर बैठोगे कि मैं जोट पैदे मैं इन्हों फोटो हमेशा दूरों रह के बना सह लैन किधर मैं भी अंदर नहीं मशा जी ने तो मुझे ड्राई दिया हाँ, कि वो कहते हैं मैं वैसे भी फायर मार देती हूँ वैसे है आपको इस किस्म का शौक आई हैव परफेक्ट एम एक्चुअली अच्छा एंड हैव यू ट्राइड इट डू यू या तो जब मैं पढ़ रही थी कनाडा में हम वहाँ रेंजर्स पे जाते थे मी एंड माय फ्रेंड्स इंडोर जो शूटिंग रेंजेस होती थी अच्छा और सारे लड़के ना बड़े चौड़े होके कहते थे आओ आओ हम तो मैं वहाँ चुप खड़ी होती थी पिकअप आर गन्स जब शीट्स वापस आती थी माइंड वुड बी विद इन द फर्स्ट टू रिंग्स शुक्र है कि मैं शादीशुदा हूँ
और ये आपने पाकिस्तान में भी ट्राई की हैं चीजें? नहीं, नॉट येट, नॉट येट सर. इनका तो इसी वजह से रिश्ता नहीं होगा कभी जिंदगी में. अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बोले प्लीज. नहीं नहीं नहीं, अगर लड़की फायर मार देगी यकीन कर लेंगे. आपकी इस बात के ऊपर वो एकदम बहुत लरस से गए हैं. नहीं नहीं, ऐसी शादी का कोई शौक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा. शादी शौक ना कोई करना नहीं, लेकिन जिंदगी दे विच एक चीज आंदी है, कोई आइडियल भी होता है ना. आए कि अकेला ये तो नहीं ना होता कि फायर ही मार देना, दिल तोड़ देना. मैंने क्या सोचा था कि जान निकल जाए. नहीं नहीं, there's so much more to life. Oh, yes. I like my space. मैं अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ. सात दिन मेरे हफ्ते में काम करते हुए गुजर जाते हैं. दिन में 12-14 घंटे काम करती हूँ, तो एक तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा. अगर कोई कहे कि आप ऐसे ही रहें और अपना काम भी करें, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाए, फिर वो झूठ बोल रहा है. कोई अटीरियर मोटिव है उसका. लेकिन नहीं, वो सच बोल रहा है. I don't trust him. लेकिन वो सच बोल रहा है. जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कि शी लाइक स्पेस, तुसी रॉकेट ले लो एक. अच्छा, ये आप इतनी देर से जो मैंने भी शादी इसलिए नहीं कराई. क्यों? सेम थिंग, आई थिंक मैरिज इज पार्ट ऑफ लाइफ बट इट इज नॉट योर लाइफ. अच्छा, तो पर कभी शायद अगर मौका मिलेगा कोई मान जाएगी दिखा रहे हैं. ये तो आप दोनों के ख्याल बहुत मिल रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. आपका स्टार साइन क्या है? टॉरस. टॉरियंस और एक्वेरियंस की तो बिल्कुल भी नहीं बनती. अच्छा, आपका क्या है? एक्वेरियन. आपने भी खुद बोला. नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं है. आपका क्या है? मेरा तो बहुत ऑफ है. स्कॉर्पियो. हाँ, देखा, मैंने पहले बोल दिया था. अच्छा, टॉरस के बारे में कुछ बताओ. टॉरस और एक्वेरियंस की एयर साइंस जो होते हैं ना, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इनकी सिर्फ एक और स्टार साइन से बनती है जो है सैजिटेरियस. ठीक है, ये टॉरस एक अर्थ साइन है, हम एयर साइन है. जब हवा तेजी से चलती है रेत में तो फिर स्टॉर्म आता है. जब पानी में ज्यादा हवा चलती है तो फिर चॉपी वाटर होता है, और जब आग में हवा लगती है तो आग ज्यादा. क्या आपने एक्चुअली में ये एक्सपीरियंस किया बहुत ज्यादा दफा के जो आप बताए आपने भी? जब आई डोंट गेट अलोंग विद समवन ना, पूछते हैं आप वर्गो तो नहीं है, बोलते हैं जी बिल्कुल, पता था. और जब भी मुझे कोई इंतहाई कूल इंसान मिलता है, मैं आप एक्वेरियस तो हो ही ना जाए. आई एम सॉरी, मैं कहती हूँ आप एक्वेरियस तो नहीं है, कहते हैं मैं एक्वेरियस. मैं भी एक्चुअली 15 मिनट पहले हुए. व्हाट डेट? 25 जनवरी. यू आर बोर्न ऑन 25 जनवरी. 25 जनवरी. आई एम 25 जनवरी. ओए ओए, आप भी 25 जनवरी हैं. ट्विंस और ये भी 25 जनवरी. यार, बात हो रही थी कि 25 जनवरी को आप दोनों की सालगिरह निकल आई है, और अब दोनों ही एक्वेरियंस हैं. तो अब क्या होना चाहिए? बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड. वाओ, तो ये आपको लग रहा है बेस्ट फ्रेंड? अब 25 जनवरी सुनने के बाद लग रहा है. अच्छा, अभी आपने अभी तक इसके सोशल मीडिया पे टिकटॉक नहीं देखा? वेलकम बैक टू मुज़ाकरा. जी, तो 2020 का आगाज किससे करें हम? पाई फर्स्ट. जी, तो सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को अपने साथ चांद पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा, तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहमद भट्ट और जनाब यासिर हुसैन. अगर मैं और अहमद भट्ट, मेरा नहीं ख्याल रॉकेट उड़ेगा. यासिर हुसैन को लेके जाना चाहिए. ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान एजाज. तो ये बताइए सेल्फी किसके साथ? बहुत मुश्किल. आपके लिए तो बहुत मुश्किल. नोमी भाई मेरे उस्ताद हैं, हुमायूं भाई मेरी डार्लिंग हैं, लेकिन हुमायूं भाई से जबरदस्त सेल्फी लेता कोई नहीं है. सेल्फी हुमायूं भाई के साथ. ठीक है, स्माइल उस्ताद जी को, नुमान एजाज को, और अदनान भाई को निकाल दिया. अदनान भाई खैर है, वो कल्ला बह के बांसुरी बजाता रहेगा, कोई गलत. ठीक है, फ्लोर आ गया और उन्होंने उनका इंतखाब किया. सर, डूबती कश्ती में आप सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास. मेरे नाल सिर्फ हादसा ही हो रहे हैं. सर, जदों के तुसी आए साडे नाल भी हादसा ही हो रहे हैं. आई एम सॉरी. डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान अशरफ, जनाब फवाद खान और मशल खान. हाय हाय, वैसे तो इमरान अशरफ इज अ डार्लिंग,
लेकिन इनको डेफिनेटली माशाल्लाह आपको उन्होंने बचा लिया, बावजूद इसके कि इमरान अशरफ इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मगर देखें आप कितने गिविंग इंसान हैं ये जी। तो मशल लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं समी खान, फरहान सईद और इमरान अब्बास। तो सेल्फी किसके साथ? सेल्फी विद इमरान, बिकॉज़ इमरान अब्बास, स्माइल विद समी बिकॉज़ ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, समी, फरहान, और फ्लोर आ गया फरहान। But I really like him. But उनका फ्लोर आपने काया है। ठीक है, अवार्ड शो पे जा रही हैं, आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, चार लोग हैं जिनको आपने अपनी गाड़ियाँ बिठाना है, कौन होंगे वो चार जो कि आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, अली जफर, फहद मुस्तफ़ा, बिलाल अशरफ और बिलाल अब्बास। तो एक को निकालना है बेसिकली, एक को जगह नहीं मिलेगी, बिलाल को निकाल दें। कौन से वाले को? बिलाल अब्बास को। बिलाल अब्बास को आपने इस वक्त जगह नहीं दी और बाकी आप चारों को गाड़ी। इतने सारे सीनियर्स के बीच में एक बच्चा फिर क्या करेगा? ठीक है, ये बताइए आपने भी चांद पर जाना है स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। Who is the first one? उस्मान बुज़दार। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पखा याद किया। बताएं बताएं ना। ये एक चीफ मिनिस्टर पंजाब है और एक चीफ मिनिस्टर सिंध है। सिंध वाले को आप लेके जाएं मेरे साथ। उनको वही छोड़ना चाहती है। मुराद अली शाह साहब को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं, जैसे इनको रियलाइज हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर आप भी दो वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ देखना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और फवाद खान। आप मेरी उम्र की किसी लड़के को नहीं भेजते तो यार मेरा ना ले ला यार। सर दादे की उम्र दी नहीं क्या? यू वांट टू ऐड मोर पीपल इन इट? या फवाद खान, हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और डॉक्टर आमिर लियाकत। आप बहुत बदमाश हैं। आई गेस आई विल हैव टू गो विद हुमायूं भाई। हुमायूं भाई, ऑल्दो आप जेमिनी नहीं हैं लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। ही इज अ लियो। ही इज अ लियो। सो यू नो ही इज अ लियो। वाओ। अदनान भाई तो स्कॉर्पियो। ओए होए। जालिम है भाई। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मानी लियाकत, कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर और मैं। चार लड़के चार सितारे। I'm gonna have to go with इफ्तिखार साहब। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।